नमस्कार, रेडियो बुंदेलखंड 90.4 सुनने वाले सभी श्रोता साथियों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं दोस्तों आज के इस खास कार्यक्रम में। कार्यक्रम है अम्मा के चौके से। मैं हूं आपके साथ आपके अपने रेडियो दोस्त वर्षा। और सखियों, अम्मा के चौके में आप सभी जानती हैं कि हम अपने किचन से संबंधित बातों को करते हैं, साथ में एक बढ़िया सी रेसिपी पर भी बात करते हैं कि हमारी सखियां अगर कुछ नया सीखना चाहती हैं तो वो कैसे सीख सकती हैं। तो सबसे पहले हम अपनी सखियों को बता देना चाहते हैं कि हमारे इस कार्यक्रम में हम चलेंगे, आपको ले चलेंगे झांसी, और झांसी में दिव्या जी की किचन में आज चलेंगे। देखते हैं कि दिव्या जी ने आज अपनी किचन में क्या स्पेशल हमारे लिए बनाया हुआ है और वो क्या हमें बता रही हैं। साथ में गैस सिलेंडर से जुड़ी हुई एक खास बात भी हम जानेंगे जो अब तक हमको नहीं पता थी, हम सब नहीं जानते थे कि किस प्रकार से हमें गैस सिलेंडर जो है लेना चाहिए, क्या क्या सावधानी उसमें रखनी चाहिए लेते वक्त। और किचन की साफ सफाई के बारे में अगर हम बात करें तो वो किस तरह से हमें सफाई रखनी चाहिए, क्योंकि साथियों कोरोना का समय है और सफाई बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है हम सबके लिए। आइए देर नहीं करते हैं, आप सबको ले चलते हैं सीधा दिव्या जी की किचन में। दिव्या जी नमस्कार। नमस्कार वर्षा जी, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और आज क्या आपने स्पेशल बनाया हुआ है अपनी किचन में? बड़ी ही दूर तक महक आ रही थी तो आज हमारे मन में ऐसे ही विचार आया कि क्यों ना आज दिव्या जी की किचन में चला जाए, देखा जाए कि वो क्या बना रही हैं। तो क्या बनाया है आज आपने? आज मैं आपको झांसी से दो तरह की डिशेस, मतलब कि दो डिशेस का मिक्सचर खिलाऊंगी। एक तो है, आपने बाटी का नाम सुना होगा जो कि राजस्थान की है, और एक आपने लिट्टी का नाम सुना होगा जो कि हमारे उत्तर प्रदेश के ही गोरखपुर रीजन की तरफ ज्यादा बनाई जाती है जी। मैं आज आपको दोनों का मिक्सचर खिलाने वाली हूँ। बहुत बढ़िया। तो कैसे, आप कितने लोगों के लिए आज ये बना रहे हैं मिक्सचर? देखिए अभी तो चलिए आप और हम दोनों लोग, ठीक है। लेकिन वैसे ये अच्छी एक पार्टी के लिए बनाया जा सकता है, क्योंकि इसमें आपको बहुत देर लगना नहीं पड़ता है। आप इसको बना के एक तरफ रख सकते हैं, कैसरोल में रख दिया या किसी ऐसी चीज में रख दिया जिसमें गरम रहे, और फिर आप आराम से अपने साथ जो परिवार में लोग आए हैं उनके साथ बैठिए, खाने का समय हो तो निकालिए खाइए, और पार्टी भी कर सकते हैं। पार्टी भी कर सकते हैं और इसको आप एक स्नैक की तरह भी खा सकते हैं। कभी आपको चाय के साथ मन किया तो आपने बाटी निकाल ली, चाय के साथ खा ली। और इसके अंदर क्योंकि मैंने सत्तू भी डाला है तो ये लिए बहुत अच्छा है। बहुत बढ़िया। तो यानी कि इस समय अभी आपने इसको इस्तेमाल किया है, आपने बनाया है, वो सब चीजें ध्यान रख के कि समय है तो सत्तू भी इसमें डालते हैं। देखिए दोस्तों कितना अच्छा आज हम सब जानने वाले हैं। तो सबसे पहले हम अपनी सखियों से बोलना चाहेंगे कि एक पेन और डायरी ले लीजिए, क्योंकि लिखी हुई चीजें हमें काफी टाइम तक याद रहती हैं। तो दिव्या जी से हम जानेंगे कि किस तरह से उन्होंने बनाने की शुरुआत की है, लेकिन आप पेन और डायरी लेकर जो मुख्य चीजें हैं उनको लिखते जाइए ताकि आप भूल ना पाए कहीं भी। तो हम शुरुआत करते हैं दिव्या जी कि कैसे आपने इनको बनाने का प्रोसेस शुरू किया है। देखिए मैं अपनी मौसी के घर खा के आई थी राजस्थान में बाटी। ओके। और मैं थोड़े टाइम के लिए लखनऊ में रही, वहां पर मैंने खाई लिट्टी। तो मुझे लगा कि इन दोनों को अगर मिक्स करके चटनी कढ़ी और दाल के साथ खाया जाए, साथ में अगर बैंगन का भरता हो तो क्या बात है। और उसके साथ में मेरा एक इनोवेशन है, एक चटनी मैं बनाती हूँ, वो मैं महाराष्ट्र से खा के आई थी। बहुत बढ़िया। तो वो चटनी मैं इसके साथ बनाती हूँ और बहुत ही देसी उसका स्वाद है। तो आप अगर इसको अमेरिका या लंदन में भी खाएं तो आप इंडिया के गांव का मजा ले सकते हैं। मतलब कहने का मतलब है कि आज हमें उत्तर प्रदेश और राजस्थान और प्लस कहाँ का महाराष्ट्र का तीनों जगह का स्वाद जो है एक डिश में मिलने वाला है। तो हम इसको जरूर सुनेंगे और हमें तो सच में बहुत ज्यादा उत्सुकता हो रही है इसको जानने की। तो जल्दी से शुरुआत करते हैं। अच्छा, पहले तो देखिए आप कुछ प्रिपरेशन होती है, पहले कुछ तैयारियां कुछ करके रख लीजिए। जैसे कि आपने सत्तू की तैयारी कर ली, सत्तू में आप नमक डाल लीजिए स्वाद अनुसार,
अनुसार वो चक के देखिए, मैं बिल्कुल कोई प्रोफेशनल कुक तो हूँ नहीं, बिल्कुल, तो मैं घर के हिसाब का बनाती हूँ। और हो सकता है जब मैं एक ग्लास अगर लस्सी बनाती हूँ तो शायद मैं टेस्ट करने में आधी पी जाती हूँ, तो इसलिए मेरे से आप हिसाब किताब का नहीं पूछिएगा, बिल्कुल। बस आप सत्तू में अपने हिसाब से नमक डालिए, बहुत ज्यादा नमकीन नहीं करिएगा, नहीं तो उसके साथ फिर दाल और कढ़ी का मजा नहीं आएगा। उसके अंदर आप हरा धनिया डालिए, ठीक है, थोड़ी सी लाल मिर्च, सत्तू के अंदर हरा धनिया, नमक, लाल मिर्ची और थोड़ा सा हींग, थोड़ा सा हींग उसमें एक तेजी आ जाती है। और जिनको ज्यादा तीखे का शौक है, मैं तो ढेर सारी हरी मिर्चियां भी डालती हूँ। और फिर आप आटा गूंद लीजिए, दूसरी तरफ आटा गूंदिए, उसमें भी नमक डालिए, थोड़ी सी अजवाइन डालिए। एक चीज होती है, अगर मेरी बहनों ने एक नाम सुना होगा बेकिंग पाउडर का, ठीक है, बेकिंग पाउडर हो या खाने वाला सोडा भी आप डाल सकते हैं, लेकिन खाने वाला सोडा का थोड़ा स्वाद तीखा हो जाता है, तो इसलिए बेकिंग पाउडर आप डालिए। और बेकिंग पाउडर अगर आपको नहीं मिले तो आप थोड़ा सा दही फेंट कर भी डाल सकते हैं, ठीक है, ये ऑप्शन है हमारे पास। हाँ, ये ऑप्शन है आपके पास। फिर ज्यादा नहीं, बहुत खट्टा नहीं करना है, वो बस उसको थोड़ा फुलाने के लिए है, ठीक है। फिर आप आटा गूंद लीजिए, और फिर आप आटे के, जैसे हम लोग रोटी बेलते हैं, तो हल्का सा उसे बेल के उसके अंदर सत्तू भर लीजिए, और आप लोग गोबर के कंडे इस्तेमाल करते होंगे, तो गोबर के कंडों के ऊपर भी ये सेकी जा सकती है, और जिनके पास अगर अवन है तो वो अवन में भी सेकी जा सकती है। आजकल एक गैस अवन आता है जिसको आप अपने स्टोव के ऊपर रख के सेक सकते हैं, तो उसमें सबसे अच्छा सिकता है, क्योंकि हमारे यहाँ पे लाइट जाने की बहुत समस्या है, तो इसलिए कभी भी इलेक्ट्रिक अवन में ना करके मैं गैस अवन में करती हूँ, तो उससे चीज खराब नहीं होती। नहीं, है। वैसे हमारे बुंदेलखंड वाले जो भी बहने हैं उनके पास कंडे काफी भरपूर मात्रा में होते हैं। सबसे अच्छा तो कंडे में ही और रहेगा, अच्छा बिल्कुल धीमी आंच पर, लेकिन क्योंकि फिर बाहर से जल जाएगा, अंदर से पकेगा नहीं। हाँ। तो आप बिल्कुल इसको धीमी आंच पे सेकिएगा, और बीच बीच में आप इसको चिमटे से एक बार निकाल के देखते भी रहिएगा। अच्छा दिव्या जी, यहाँ पर हम थोड़ा सा जानना चाहेंगे कि जो आटा है, आपने सिर्फ गेहूं का आटा इस्तेमाल किया या फिर इसमें कुछ और भी चीज? जितना कोशिश करके आप मोटे से मोटे गेहूं का इस्तेमाल करेंगे वो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि इसमें ज्यादा फाइन वो अच्छा नहीं लगता, इसमें थोड़ा सा मोटा मोटा बन अच्छा लगता है। अच्छा। तो गेहूं का आटा, पूरी तरह गेहूं का आटा। कुछ लोग हैं जो इसके अंदर एक खस्तापन लाने के लिए उसमें सूजी भी डालते हैं वही। तो आप चाहें तो डालिए, ना चाहें तो नहीं डालिए, वो बिल्कुल आपके ऊपर है, जैसा स्वाद अनुसार कर लीजिए। अच्छा, इसके साथ आप सब लोग कढ़ी तो बनाना जानते ही होंगे, यहाँ पे सब लोग कढ़ी तो मैं देखती हूँ कि शादियों में भी बनती है, बिल्कुल बनती है। तो कढ़ी साथ में, लेकिन अच्छे हींग वाली, और उसके ऊपर अगर आप सरसों के तेल, राई और लाल मिर्ची का छौंक लगाएं, वो भी खड़ी लाल मिर्ची का, तो क्या कहते हैं, और कड़ी पत्ता साथ में और फिर इसके साथ में एक दाल बनाती हूँ जो कि मैं राजस्थान की तरफ खा के आई थी, वो थी माँ छोले की दाल। माँ छोले, हाँ, वो होती है उड़द की, वैसे मैंने बोला पंजाबी लहजे में है, माँ छोले की पंजाब में बोला जाता है, देखिए यहाँ पे मैं पंजाब का प्रदेश भी ले आई उठा के, ठीक है। अब क्या है कि यहाँ पर आप इसमें चने की दाल और साथ में उड़द की दाल ये मिक्स करके बनाई जाती है, वो आप अपने अपने हिसाब से ले लीजिए, आधा आधा ले लीजिए दोनों को। और ये दाल बनाइए, उसमें अच्छा सा लहसुन का छौंक लगता है, लहसुन अदरक का ढेर सारा छौंक लगता है, ठीक है, और तीखा कर लीजिए, मैं तो बहुत हरी मिर्च डाल के बनाती हूँ, ठीक है, मतलब आपको जैसा पसंद हो आप वैसा बना सकती हैं। दिव्या जी को बहुत तीखा पसंद है, इसलिए वो तीखा खाती है, तो आप उनकी बातों को ये मत समझिए कि उन्होंने बहुत सारी ढेर सारी मिर्ची डाली है तो आप भी डालेंगे। नहीं, इसके लिए भी मैं एक चीज कर लेती हूँ, क्योंकि बाकी लोग मेरे यहाँ तीखा नहीं खाते हैं, तो इसलिए मैं अपना छौंका अलग बना के रख लेती हूँ, तो बाकी सबको मैं प्लेन दाल सर्व करती हूँ, मैं अपने लिए छौंका अलग से लगाती हूँ। जी सही है, सब लोग खुश हैं। जी बिल्कुल। और फिर इसके साथ में मैं एक चटनी बनाती हूँ, वो चटनी में डलता है खड़ा धनिया, खड़ी लाल मिर्च और सरसों का तेल और ढेर सारा लहसुन, ठीक है, और अच्छी मात्रा में नमक। हाँ, मतलब चटनी लगनी चाहिए, फिर चटनी सब्जी लगे तो क्या स्वाद आने लगा है। और सरसों के तेल को पकाइएगा नहीं, कच्चा तेल डालिएगा, उसका स्वाद ही अलग आता है। अच्छा, इन सबको आपको पीसना है पहले या फिर सारी चीजों को? इन सबको देखिए, अगर आप सिलबट्टे पे पीस सकते हैं तो क्या कहना बहुत ही अच्छी बात है, वो सबसे अच्छा है।
उसका स्वाद ही अलग आता है। कुछ लोग मिक्सी का प्रयोग करने लगे, लेकिन मिक्सी में वो बात नहीं आती जो नहीं आती सिलबट्टे है, में आती बिल्कुल है। बिल्कुल नहीं आती है। यहाँ पर अगर हम एक छोटी सी बात कहें कि जब आप खेत पे जाते हैं और बिल्कुल खेत पे नॉर्मल सा जो पत्थर रखा रहता है उस पे कुछ भी चटनी ऐसे ऐसे कूट के भी खाएंगे ना, तो उसका स्वाद जो है वो बिल्कुल अलग बहुत आता अलग होता है, है। बिल्कुल अलग आता है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। और इसके साथ में एक और चीज बनाई जा सकती है, वो होती है सिर्फ हरी मिर्च काट के, हरी मिर्च काट के उसमें सौंफ का और सरसों के तेल का छौंक लगा दिया जाता है, बस। कच्ची कच्ची हरी कच्ची मिर्ची, कच्ची कच्ची पक्की हल्की हल्की, हाँ। ये जो वैसा। आपने चटनी अभी बताई है वो चटनी का क्या करना, मतलब सिर्फ वो सारी चीजें साथ मिक्स करके? में, वो साथ में एक कॉम्बिनेशन कही, एक थाल कही है, एक पूरा थाल बन गया जिसमें ये चटनी है। और कुछ लोग जिनको चटनी अच्छी लगती है वो लोग सिर्फ बाटी और चटनी ही खा लेते हैं। अभी वाली बाटी को स्वादिष्ट बनाने का एक और तरीका है, जब बाटी पूरी बन जाए तो आप अपने स्वाद अनुसार या अपने सामर्थ्य अनुसार इसको घी में डुबो लें या सरसों के तेल में डुबो लें। बिल्कुल हाँ, ये काफी जगह हमने देखा है घी में डुबो के घी खाते में हैं, डुबो मिक्स के, करके दाल में डाल के बिल्कुल खाते बिल्कुल हैं। घी में डुबो लीजिए, या बहुत से लोग इसको सरसों के तेल या रिफाइंड तेल में भी डुबो हाँ, लेते हैं डुबो लेते और हैं, उसके अंदर जो अंदर सत्तू होता है वो पूरा तेल पी जाता पी है, जाता तो है। वो बहुत स्वादिष्ट हो जाता बहुत बढ़िया, मतलब ऐसा लग रहा है कि अब बस खाने की ही देरी है, सारी है। चीजें आ गई हैं अच्छा, और तो। इसके साथ एक और चीज बनती है, मैं बनाती हूँ बैंगन का भरता, जैसे हम लोग अपनी तरफ खाते हैं बैंगन का भरता पूरा भुना हुआ अच्छी तरह। लेकिन अगर आप बिहार की तरफ खाएंगे, अरे बिहार तो मैं भूल ही गई, ओ, इस थाली अच्छा में बिहार बिहार का भी पार्ट है, भी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इस थाली में बिहार का भी पार्ट है। तो बिहार की तरफ क्या होता है कि ये लोग सिर्फ बैंगन को भून लेते हैं, सिर्फ बैंगन को भून लेते हैं, ओके। ठीक है। और बैंगन को भून के उसमें नमक डाल के उसके ऊपर कच्चा सरसों का तेल डाल देते हैं, भूंज के नमक डाल के और कच्चा कच्चा सरसों सरसों का का तेल तेल। डाल देते हैं। कुछ लोग इसमें कटा हुआ लहसुन भी डाल देते हैं, कभी कभी लहसुन को सरसों के तेल में छोंक देते हैं और ऊपर से, लेकिन कच्चा सरसों का तेल जरूर डालते जरूर हैं। डालेंगे क्योंकि वो घर का भी होता है उनका, और उसको उस बोलते हैं, मैं नाम भूल रही हूँ, उसको बोलते हैं बैंगन का चोखा, चोखा। चोखा वो हाँ बैंगन का भरता नहीं होता, वो बैंगन का चोखा। चोखा होता है, वो थोड़ा कच्चा कच्चा स्वाद का होता है, तो उसकी स्वाद थोड़ा अलग होता है। अलग ही होता है। तो हमारे इस डिश में कितने सारे चीजें शामिल हो गई, देखिए महाराष्ट्र भी आ गया, बिहार भी आ गया, राजस्थान भी आ गया, यूपी भी आ गया, और कुछ छूट रहा है? ये एक तरह से राष्ट्रीय एकता का प्रतीक राष्ट्रीय है। एकता का प्रतीक है, बिल्कुल। बहुत अच्छा दिव्या जी। तो दिव्या जी, यहाँ तो हमने अभी बाटी चोखा खाया है जी और किस तरह से आपने बताया बनाया है उसकी रेसिपी आपने हमारे साथ साझा की है। सफाई की अगर बात करें, हाइजीन की, क्योंकि अभी बहुत ज्यादा जरूरत है, तो किस तरह से हम किचन का रख रखाव साफ सफाई में कैसे खुद को आप देखती हैं, कैसे ध्यान रखती हैं अपनी किचन का? देखिए, सबसे पहले तो मुझे लगता है कि जो पुराने रीति रिवाज थे, कुछ कुछ चीजें वो बहुत अच्छी थी कि रात के समय बर्तन मांज के रखो, बिल्कुल ठीक है, बर्तन ढंग से धो के रसोई में जमा के रखो, उससे क्या होता है कॉकरोच वगैरह नहीं आते नहीं हैं। आते हैं। तो आप जितना अपनी रसोई को रात के समय में साफ रख सकते हैं उतना साफ करके सोइए। स्टोव को अच्छे से साफ करिए, क्योंकि स्टोव के अंदर की तरफ काफी बार कॉकरोच वगैरह जमा हो जाते हैं। बिल्कुल फिर आप कोशिश करके जो एक आपने किचन के लिए एक छोटा सा कचरे का डब्बा रखा होगा, उस कचरे के डब्बे को मेन डब्बे में रात की रात ही डालाइए, ठीक है, क्योंकि रात में अगर उस डिब्बे के अंदर चीजें जमा रहेंगी खाने पीने की, तो चूहों के भी आने की चांस चांस रहते है, हैं। और साथ में कॉकरोच वगैरह तो आएंगे ही आएंगे। और जितनी चीजें हों वो ढक के रखिए। और एक चीज है जो मैं आपको आपकी सावधानी के लिए बताना चाहूंगी, वो है गैस सिलेंडर। देखिए, जब हमारे घर में गैस सिलेंडर आता है तो हम लोग एक डेट के ऊपर गौर नहीं करते, उसमें एक अक्षर लिखा होगा ABC या D, बिल्कुल लिखा ठीक होता है है, ये सब नहीं जी। देखा है। आप अंदर की तरफ देखिएगा, वो बाहर की तरफ नहीं होता है, अंदर की तरफ जो रॉड्स होते हैं हाँ ना हाँ उनके अंदर लिखा होता है, बिल्कुल ABC या D लिखा होगा, और साथ में एक साल लिखा होगा, दो नंबर लिखे होंगे। जैसे कि अगर आपको लिखा है A21, 21 का मतलब है 2021, और ए का मतलब है जनवरी फरवरी या मार्च। अब मार्च आप लोग बहने अच्छी तरह सुन ले, ए का मतलब है जनवरी फरवरी मार्च, बी का मतलब है अप्रैल मई जून, सी का मतलब है जुलाई अगस्त सितंबर, डी का मतलब है अक्टूबर नवंबर दिसंबर। तो अगर आपके पास आया है 21 और ए लिखा हुआ है, मतलब कि ये गैस सिलेंडर में जान नहीं बची है, इसको मार्च में ही ये मरा हुआ घोषित मरा हो हुआ गया है, घोषित हो गया,
और फिर उसके बाद वो कभी भी आपको नुकसान दे सकता है, वो कभी भी फट सकता है, ये आप याद रखिए, वो कभी भी फट सकता है। तो आपके पास अगर 2021 में कोई गैस सिलेंडर आता है, इस महीने में अगर गैस सिलेंडर आता है और वो सी लिखा हुआ है, सी 21 या 21 सी, मैं ये भूल रही हूँ कि क्या चीज पहले आती है, लेकिन ये दोनों चीजें होती है। तो अगर इन अगर सी महीने का आया है तो कृपया उसे लौटा दीजिए और गैस सिलेंडर वाले से आप रिक्वेस्ट करिए कि आपको दूसरा सिलेंडर दे जिसमें ये वाली डेट ना हो। क्योंकि आप बहनों बिल्कुल ध्यान देने वाली बात है ये, क्योंकि इन चीजों को हम अक्सर भूल जाते हैं सिलेंडर लेने के चक्कर में। क्योंकि हमारे घर में जब सिलेंडर नहीं होता है तो हमें ये सबसे पहले लगता है कि सिलेंडर आ जाए, लेकिन हम ये मुख्य बात जो रहती है वो कभी हमें किसी ने बताई भी नहीं है, खासतौर से सिलेंडर वाले भी नहीं बताते हैं, क्योंकि उनको तो अपना सिलेंडर देना है, आप उनसे कोई शिकायत ना कर पाए, इस वजह से वो आपको खुल के ये चीजें नहीं बता पाते हैं। तो इन चीजों का हमें खुद ही ध्यान रखना है कि कैसे हम अपनी और अपने परिवार की सुरक्षा रख सकते हैं, जिसके लिए हमें ये नंबर जो ABCD है ये देखना बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। दिव्या जी, और जैसे हम लोग देखते हैं बहुत से लोग सिलेंडर भी नीचे रखे हैं और स्टोव भी नीचे रखे हैं, वो नहीं होना चाहिए। स्टोव को हमेशा सिलेंडर के ऊपर के लेवल पे होना चाहिए। तो इसलिए अगर आपके पास एक चौकी हो या छोटी सी टेबल हो जिसके ऊपर आप अपना स्टोव रख पाए, तो स्टोव ऊपर की तरफ रखिए और सिलेंडर नीचे की तरफ रखिए। बिल्कुल, बहुत बार जब खत्म होने लगता है सिलेंडर तो हम लोग क्या करते हैं, सिलेंडर को लिटा के उसे गोल गोल घुमाने लगते हैं। बिल्कुल, वो बिल्कुल नहीं करना, ऐसे में सिलेंडर कभी भी फट सकता है। ये हमारे यहाँ अक्सर होता है, मतलब बुंदेलखंड की अगर बात करें, जब भी सिलेंडर खत्म होता है तो हम उसको उलट पुलट ऐसे वैसे, और कई बार तो उसको उल्टा ही कर देते हैं। जो ज्यादा एक्सपर्ट लोग होते हैं, मतलब जो कहते हैं हमें डर नहीं लगता या हम सब कुछ जानते हैं, तो वो उसको उल्टा भी लिटा देते हैं, जबकि ये बहुत ज्यादा खतरनाक है। तो हमें ऐसी गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है, इन चीजों से हमें बचना है। आपने हल्का सा हिलाया वो चीज अलग है, हिलाना अलग है, लेकिन आपने उसको लिटा के उसे गोल गोल घुमाने लगे, ये बिल्कुल गलत है। ऐसे में सिलेंडर कभी भी फट सकता है। और उस पर कोशिश करके कोई भी गीली चीज ना रखिए, जैसे कि हम लोग आमतौर पे देखते हैं कि जिस कपड़े से किचन की सफाई हो रही होती है वो कपड़ा जरूर पड़ा होगा सिलेंडर पे, पड़ा होता है। वो आप किसी भी घर में देख लीजिए जाके, आपको 99% मिलेगा ही मिलेगा। और जब तक मैं एक एक्सपर्ट से नहीं मिली थी, उससे पहले मेरे घर के किचन में भी रखा रहता था। तो ऐसी कोई बात नहीं है, वो सबसे गलती होती है जब तक पता नहीं होता है, लेकिन अब पता चल गया है तो ये गलती नहीं करिए, क्योंकि गीलेपन से वहां पर कमजोरी आती है, आप ये समझिए। तो इसलिए वहां पर गीलापन नहीं आना चाहिए। तो मतलब ये आदत हमारी भी है, हम खुद भी ऐसा करते हैं कि जो भी किचन साफ करने वाला कपड़ा होता है उसको धोके फिर उसी पर टांग देते हैं। जी, वो नहीं होना चाहिए, वो मैंने भी खुद सुना था, तब मुझे पता चला कि ये चीज गलत। तो एक्सपर्ट का क्या कहना था उस पे? एक्सपर्ट का कहना था कि यहाँ पे कोई भी ऐसी गीलेपन वाली चीज नहीं होनी चाहिए। आपने सूखा कपड़ा रखा है ऊपर, बात अलग है, लेकिन आपने उठा के गीला कपड़ा रख दिया, सुखाने के लिए रख दिया, तो वो चीज हानिकारक हो जाती है। बिल्कुल। तो बहनों, हमें उम्मीद है कि आप बड़े ही ध्यान से ये कार्यक्रम सुन रहे होंगे, और जो भी दिव्या जी हमारे बीच में ये खास चीजें लेकर आई हैं, इन पर भी आप बड़ी ही गौर फरमाइएगा, क्योंकि दिव्या जी बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण जो चीजें होती हैं हम इन पर ध्यान नहीं देते हैं कभी कभार क्या, हम तो कभी भी ध्यान नहीं देते, क्योंकि ये चीजें हमें पता नहीं है। गलतियां सबसे होती हैं, जैसा दिव्या जी ने कहा है, जब तक हमें उन गलतियों के बारे में पता ना हो कि ये गलती है तो सुधारना हम सबको चाहिए जरूर। तो दिव्या जी, और क्या आप आज हमारे लिए, हमारी बहनों के लिए खास आप बता रही हैं? इतने सारे वो बता दिए हैं आपने, डिशों का मेलजोल बता दिया है, आगे क्या आप कहना चाहती हैं हमारी बहनों के लिए? मैं तो बस ये कहना चाहती हूँ, मैंने आज अपनी एक डिश बताई है, बल्कि मैं तो चाहती हूँ कि बुंदेलखंड की जो डिशेज हैं वो हमेशा जिंदा रहें और हमारे देश में क्या विदेशों में भी जाएं। तो इसलिए अगर आप एक छोटा सा प्रोग्राम शुरू कर पाएं जिसमें हमारी बहनें एक एक डिश बताएं तो वो बहुत ही अच्छा रहेगा। बिल्कुल, बहुत ही अच्छी बात है, और हम चाहते हैं कि इस प्रोग्राम को सुनने के बाद हमारी और जो बहनें हैं जो सुन रही हैं इस समय, आप बड़े कान खोल के सुन लीजिए, और आपको बताना है कि अगले कार्यक्रम में आपकी से कोई एक रेसिपी आनी चाहिए जो आप बहुत अच्छा बना लेती हैं, चाहे वो कुछ भी हो, बस आपकी साइड से आनी चाहिए, तो हमें बहुत ही अच्छा लगेगा। तो जो आपने डिश बताई है दिव्या जी, वो उसमें सावधानी क्या क्या हमें और रखनी चाहिए बनाते समय?
अब मैंने आपसे जैसे बोला कि मैं मेरा कोई काम तो है नहीं, मैं तो घर में काम चलाऊ काम के हिसाब से कर लेती हूँ, लेकिन ये हमेशा देखा है कि जब जब खिलाया है सब लोग बहुत खुश होके गए हैं, तो इसलिए मैंने कहा क्यों ना आपके साथ ही खुशी बांटी जाए। बिल्कुल, आज मैं भी खुश होके जाऊंगी। तो दिव्या जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे कार्यक्रम में शामिल हुए, आप अपनी मतलब हमारी सखियों से जो भी कहना चाहते हैं आप कह सकती हैं अपनी साइड से। थैंक यू सो मच, आप लोगों ने मुझे सुना, और बस मैं यही चाहूंगी कि आप लोग भी अपने बुंदेलखंड की, हमारे बुंदेलखंड की एक एक डिश शेयर करें, क्योंकि ऐसे मैं कई लोगों को जानती हूँ जो कि इस चीज को आगे बढ़ाना चाहते हैं और बुंदेलखंड की डिशेस को पहुंचाना चाहते हैं, क्योंकि देखिए बुंदेलखंड हमारा जो प्रदेश है ये बाकी यूपी से बहुत ही अलग है। हम झांसी को और बुंदेलखंड क्षेत्र को पूरे यूपी के साथ नहीं रख सकते, हमारे क्षेत्र ने अभी भी बहुत बहुत अच्छाइयां बचा के रखी है। और जहां तक हम बात करते हैं देशभक्ति की या हम बात करें ईश्वर की, तो हमें सबका एक एक प्रतीक यहाँ पर मिलता है। चाहे वो रानी लक्ष्मीबाई हो, चाहे वो राम राजा सरकार हो, फिर या वो हमारे स्पोर्ट्स से जुड़े हुए ध्यानचंद जी हो। बिल्कुल, ठीक है। तो हमारा झांसी और यहाँ तक की वृंदावन लाल वर्मा लिखावट के भी क्षेत्र में हमारी झांसी और हमारा बुंदेलखंड क्षेत्र बहुत 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 ऊंचा है। तो मुझे लगता है कि हमें इसको आगे बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। बिल्कुल, और जो हमारी संस्कृति थी यहाँ की, या फिर जो मान लीजिए प्रचलित खाना थे यहाँ के, वो विलुप्त तो होते चले जा रहे हैं कहीं ना कहीं, तो उनको भी हमें आगे निकालने की जरूरत है। जो भी हमारे बीच में हमारी बुजुर्ग महिलाएं हैं उनको जरूर याद होगा कि औंदा की अरे, आपने सुना होगा औंदा की अरवी। अभी हम एक गांव में गए थे, मस्तापुर गांव में, वहां पे हम लोगों का स्वागत जो है वो उसी से हुआ था। उन लोगों ने अरवी जो खेत से निकल रही थी उस अरवी को धुला अच्छे से और एक मटके में, मिट्टी के मटके में उसको भरा, और उसके मुंह को जो है जो पत्ते होते हैं छेवले के पत्ते, एक पेड़ होता है उसके पत्तों से उसका मुंह बंद किया बिना पानी के, और ऐसे एक गड्ढा किया छोटा सा, उस गड्ढे में उसको औंदा ऐसा कर दिया। उसके बाद ऊपर से आग जलाई उन्होंने लकड़ियों की। अच्छा, आग जलाने के बाद, और वो इतनी टेस्टी अरबी थी, इतनी टेस्टी, हम लोगों का स्वागत उससे हुआ। तो मतलब एक सुन के लगा कि हाँ, बुंदेलखंड में ये चीजें आज भी होती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो हम चाहते हैं कि ऐसी चीजें आप और भी हमारे साथ साझा करिए। उन्होंने पूरी रेसिपी उसकी हमें बताई थी कि किस तरह से हम ये कर सकते हैं, तो जरूर आपके साथ भी हम वो रेसिपी जरूर साझा करेंगे। फिलहाल आज के लिए इस कार्यक्रम में इतना ही। दिव्या जी का बहुत बहुत धन्यवाद हम करते हैं। किचन में बहुत अच्छी चीजें बनी है, अब हम खा लेते हैं थोड़ा सा और फिर आपसे मिलते हैं। दिव्या जी नमस्कार। थैंक यू अर्चा। अपना रेडियो, अपनी बातें, रेडियो बुंदेलखंड 90.4 पर। श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम अम्मा के चौके में दिव्या जी को, जिन्होंने हमें बहुत ही सुंदर रेसिपी के बारे में बताया है, साथ में गैस सिलेंडर को कैसे हमें ध्यानपूर्वक से लेना चाहिए उसके बारे में भी बताया, किचन की साफ सफाई में हमें क्या क्या चीजों को ध्यान में रखते हुए किचन की देखभाल करनी चाहिए वो भी बताया। आज का ये कार्यक्रम आप सबको कैसा लगा हमें जरूर बताइए, हमारे नंबर पर कॉल करके या व्हाट्सएप करके या फिर फेसबुक के माध्यम से। नंबर है हमारा 9425147126। अब अपनी रेडियो दोस्त वर्षा को दीजिए इस कार्यक्रम से जाने की अनुमति। हमारी और आपकी फिर होगी मुलाकात अगले कार्यक्रम में, तब तक आप ऐसे ही सुनते रहें रेडियो बुंदेलखंड 90.4, अपना रेडियो, अपनी बातें।